तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ 5 मिनट में बिना लहसुन प्याज के अचारी फ्लेवर की आलू की सब्जी, जो कि खाने में आपको इतनी मज़ेदार लगेगी ना। जब भी आपको झटपट कोई सब्जी बनानी होगी ना, आप यही बनाओगे, गारंटी है मेरी। कलर देखिए आप कितना मस्त आया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल कुकिंग में। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमने गैस पर रख दिया है कुकर, और कुकर में डाल दिया है करीब 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो रहा है, तब तक ये देखिए मैंने 2 टमाटर पीस लिए हैं। अगर आप टमाटर नहीं यूज़ करना चाहते हैं सब्जी में, तो टमाटर की जगह आप क्या ले सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देते हैं करीब 1 चम्मच जीरा। जीरे को चटकने देते हैं। तो जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू मैंने यहाँ पर उबाल कर नहीं लिए, कच्चे ही लिए, जिन्हें मैंने छील करके काट लिया था। मीडियम साइज़ के आलू थे ये, जिन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। और अब हम इन्हें चलाते हुए करीब 1.5 से 1 मिनट के लिए ऐसे ही तल लेंगे। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 चम्मच हींग। 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च। मिर्च ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच करीबी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। तो मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच करीब मैंने यहाँ पर लिए कसूरी मेथी, जिसे हाथों से मसल करके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद करीब 0.5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। फ्लेम मैंने लो कर रखी है इस समय पर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो टमाटर हमने पीस करके रखे थे। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो इसमें करीब 4 से 5 चम्मच आप थोड़ा सा खट्टा दही डाल दीजिएगा। दही थोड़ा खट्टा डालिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। करीब 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भून लेंगे ताकि दही का या टमाटर का कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच अचारी मसाला। ये मेरा घर का बनाया हुआ अचारी मसाला है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। करीब 0.5 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से चलाते हुए फिर से भून लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की आसान रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब देखिए मैंने इसमें डाल दिया है पानी। पानी आप उतना ही डालिएगा जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। तो मैंने यहाँ पर करीब 2 से 2.5 गिलास पानी डाला है। और इसके बाद हम इसमें करीब 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी में आलू अच्छे से पक जाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि आलू थोड़े कच्चे हैं तो आप 1 सीटी और लगा लीजिएगा। तो 2 सीटी आ चुकी थी, और ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनकर के तैयार हुई है। अभी हम इसमें एक काम और करेंगे, वो ये कि हम आलू को इस तरह से थोड़ा सा मैश कर देंगे दबाते हुए, और आप देख सकते हैं कि आलू कितने अच्छे से पक गए हैं। इससे क्या होगा कि जो ये ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी और सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो दोस्तों एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा आप इस आलू की सब्जी को। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, और कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये सब्जी बिना लहसुन प्याज के बनाई है। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त टेस्ट वाली आलू की सब्जी बनके तैयार है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।